Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. इजराइल हमास युद्ध का सेंटर फिलहाल लेबनान बना हुआ है। इजराइल हिजबुल्ला को लगातार चुनौती दे रहा है। हसन नसरुल्ला ने सीरियल पेजर ब्लास्ट में मारे गए अपने 32 लोगों के लिए दुख जाहिर करते हुए इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। हसन नसरुल्ला ने धमकी दी है कि इजराइल को इन दोनों घटनाओं के लिए बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर लेबनान में हुए इन दोनों घटनाओं पर इजराइल ने चुप्पी साध ली है। हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि ये दोनों घटनाएं नरसंहार और युद्ध अपराध हैं। हसन नसरुल्ला ने दावा किया कि इजराइल 2 मिनट में कम से कम 5,000 लोगों को मारने की साजिश रच रहा था। हसन नसरुल्ला ने आगे कहा कि जब तक गाजा में इजराइल का आक्रमण रुक नहीं जाता, हिजबुल्ला भी नहीं रुकने वाला है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआवन गैलेंट ने कहा कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। बता दें कि लेबनान में बुधवार को दोपहर बाद अचानक हिजबुल्ला लड़ाकों के रेडियो सेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट होने लगे थे, जिसके बाद पता चला था कि ईरान समर्थित हिजबुल्ला लड़ाकों के बीच संपर्क में काम आने वाले रेडियो में सिलसिलेवार विस्फोटों में 24 लोग मारे गए हैं और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके करीब 24 घंटे पहले मंगलवार को लेबनान में हजारों की संख्या में पेजर फटे थे, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और करीब 3,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।